चंदौली में नकली नोटों से देश की अर्थव्यवस्था को चपत लगा रहे सातिरों के नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ा हमला किया है। चंदौली जनपद के धानापुर पुलिस ने एक सातिर अभियुक्त को 3,75,000 रुपये के जाली करेंसी नोट के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया सातिर लंबे समय से नकली नोटों को बाजारों में खपाने का काम करता था। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 3 फरवरी 2024 को स्वाट सर्विलांस टीम के प्रभारी और थानाध्यक्ष धानापुर द्वारा दो शातिर अभियुक्त अमरेश पाठक और अरविंद यादव गिरफ्तार किया गया था और इनके कब्जे से कुल 1,18,600 रुपये की फेक करेंसी बरामद की गई थी। उस समय दोनों अभियुक्तों गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों ने पूछताछ पर यह बताया था, गोपाल पांडे और गोकुल पांडे ये दोनों सगे भाई हैं, रोहतास बिहार के रहने वाले। ये लोग अपने प्रिंटर से स्कैन और प्रिंट करके फेक करेंसी बनाते हैं 100 रुपये 500 रुपये की, और ये मार्केट में 1,00,000 रुपये की फेक करेंसी 20 से 25,000 रुपये असली करेंसी के नाम पे, असली करेंसी के बदले एक्सचेंज करके देते हैं। और ये लोग उस फेक करेंसी को मार्केट में पेट्रोल पंप पे, सब्जी की दुकानों पे शाम के समय रात में उसको मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करके चलन में लाते हैं। उसी समय से इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सीओ सकलिया के नेतृत्व में टीमें प्रयास कर रही थी। कल प्रभारी स्वाट और सर्विलांस टीम के और एसओ धानापुर के नेतृत्व में जो अभियुक्त गोपाल पांडे अपने प्रिंटिंग उपकरण से नोटों को स्कैन करके और प्रिंट करके जाली करेंसी बनाता था, उसको उसके उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 100 रुपये और 500 रुपये के कुल 3,75,000 रुपये फेक करेंसी बरामद की गई है। अभी इस घटनाक्रम में उसका एक सगा भाई फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये कहाँ सक्रिय थे? एक घूम घूम के स्थान बदल बदल के अपने अपना प्रिंटिंग मशीन लगा के नोटों को स्कैन करके बाज़ार में अपने एजेंटों के माध्यम से, जैसा मैंने बताया है, इन फेक करेंसी को प्रचलित करते हैं। क्या ये बिहार से लेके यूपी तक का इनका रैकेट है? हाँ, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। ये अभियुक्त गोपाल पांडे इसके पहले भी फेक करेंसी के मामले में इसी जनपद से बलुआ थाने से 2022 में जेल जा चुका है और जेल से जमानत पे आने के बाद फिर ये इसी काम में सक्रिय हो गया था अपने गैंग के साथ, और इसके ऊपर पहले से भी 3 अभियोग दर्ज हैं।